हेलो दोस्तों, बॉलीवुड डेली न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ उस एक्ट्रेस की कहानी जिसे किस्मत ने पलकों पर बिठा दिया। हम बात कर रहे हैं जानी मानी एक्ट्रेस टीना मुनीम के बारे में। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ टीना मुनीम के पर्सनल लाइफ के बारे में। उस वक्त टीना मुनीम अपने एक्टिंग की वजह से नहीं, अपने लव अफेयर्स के लिए जानी जाती थी, और वो भी इंडस्ट्री के काका यानी राजेश खन्ना और इंडस्ट्री के बाबा यानी संजय दत्त के साथ। वीडियो देखने से पहले हमें सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। प्यार की चाह में इंसान क्या से क्या हो जाता है। प्यार रंग को राजा तो राजा को भी रंग बना देता है। प्यार में बर्बाद होने वालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन प्यार में आबाद होने वाले भी कम नहीं है जनाब। अब आप टीना मुनीम का ही किस्सा ले लीजिए। एक हद्दत अभिनेत्री जिनके नाम कुछ एक हिट फिल्म में ही थी, वो देश की नहीं विश्व के सबसे धनी व्यापारियों में से एक अनिल अंबानी की बीवी बन टीना अंबानी हो गई। एक गुजराती घराने की लड़की को इश्क ने वो दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शादी के बाद पति अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखने के सपने दिखाता है, और इस सपने को हकीकत में अनिल अंबानी ने बदला है। लेकिन टीना मुनीम से टीना अंबानी तक का सफ़र आसान न था। इस राह में टीना को कई साथी मिले, लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। शायद टीना और अनिल की जोड़ी भी स्वर्ग में ही बनी थी। टीना मुनीम के प्रेम संबंध। टीना मुनीम को देवानंद की खोज कहा जाता है। देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत कई नए हीरोइनों को लॉन्च किया, और उसी में से टीना मुनीम को एक माना जाता है। टीना मुनीम एक बेहतरीन तो नहीं, लेकिन एक अच्छी अभिनेत्री रही हैं। टीना मुनीम अपनी फिल्मों के लिए कम, लेकिन अपने अफेयर की वजह से अधिक चर्चित रहीं। पहले संजय दत्त और फिर राजेश खन्ना, और उसके बाद अनिल अंबानी के साथ उनके प्रेम प्रसंग हमेशा से ही मीडिया में चर्चा का विषय रहे। संजय दत्त को टीना मुनीम का पहला प्रेम माना जाता है। कई लोग दोनों की दोस्ती को बचपन का प्यार मानते हैं। टीना मुनीम संजय दत्त से इस कदर प्रेम करती थी कि उनके करियर को हिट कराने के लिए उन्होंने देवानंद की फिल्म छोड़ सुनील दत्त की रॉकी में काम करना पसंद किया। वो ना सिर्फ इस फिल्म की नायिका रहीं, बल्कि उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन के कार्य को भी संभाला। इस एक फिल्म के लिए टीना मुनीम ने खुद को दो सुपरहिट फिल्में लव स्टोरी और एक दूजे के लिए से दूर कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें अपनी गलती का मलाल नहीं था। उस समय वह सिर्फ संजय दत्त को अपना दोस्त और प्यार मानती थी, और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। हालांकि संजय दत्त के नशे की लत ने दोनों के प्यार को ख़त्म कर दिया, पर शायद पहला प्यार आज भी टीना मुनीम के दिल में हो, जो अब टीना अंबानी बन चुकी हैं। संजय दत्त से रिश्ता टूटने के बाद टीना बेहद बिखर गई थी। टीना की बिखरती जिंदगी में फिर खुशियां लाने का काम राजेश खन्ना ने किया। दोनों का प्यार और लिविन में रहना सभी को याद है। ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों जगह टीना और राजेश खन्ना एक बेहतरीन जोड़ी के रूप में देखे जाने लगे। लेकिन टीना को अपने रिश्ते में स्थायित्व चाहिए था, जिसके लिए काका कभी तैयार नहीं हुए, और दोनों ने अलग होने का निर्णय ले लिया। टीना मुनीम राजेश खन्ना के साथ अपने प्रेम प्रसंग में इस तरह खोई थी कि उन्हें अपने करियर का ध्यान ही नहीं था। निराशा और हताशा में उन्होंने कामगनी जैसी बी ग्रेड मूवीज में भी काम किया, जिसका मलाल उन्हें जिंदगी भर रहेगा। हालांकि टीना मुनीम को परेशानी के इस समय एक ऐसा सहारा मिला जो जिंदगी भर उनके साथ है, और ये साथ मिला उन्हें अनिल अंबानी से। टीना के मुताबिक वो 1986 में सबसे पहले अनिल अंबानी से मिली थी। उस दौर में टीना बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार थी। इसके बाद मुलाकातें प्यार में बदली, और 1991 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के कई साल बाद भी उन्हें धीरूभाई अंबानी के परिवार से बहू का दर्जा नहीं मिल सका, पर 2 फरवरी 1993 को धीरूभाई अंबानी के परिवार ने उन्हें बहू के रूप में स्वीकार किया। टीना मुनीम का प्रेम सफ़र बेहद रोमांचक रहा, और इसे एक ऐसा नाम का सहारा मिला जिसके सपने भी शायद एक आम लड़की के लिए दुश्वार होते हैं। आज टीना मुनीम टीना अंबानी बन विश्व पटल पर सफल बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आपकी टीना मुनीम के बारे में क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।